कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्त व्यस्त स्थिति में उपचार सामग्री खुले आसमान के नीचे पड़ी नष्ट हो रही है, तो दूसरी ओर चारों ओर अव्यवस्था और गंदगी के कारण इलाज कराने आए मरीजों को असुविधा तो हो ही रही है, साथ ही मरीजों के साथ आए परिजनों को भी अस्पताल में गंदगी से संक्रमित होने का डर बना रहता है। इस संबंध में बहोरीबंद अस्पताल BMO ने बताया कि अव्यवस्था और गंदगी के कारण अस्पताल में डॉक्टरों व सह स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है और अस्पताल विस्तारीकरण का काम प्रगति पर है, जिसके कारण मरीजों को थोड़ा बहुत असुविधा तो हो रही है। मेरे द्वारा पर्याप्त डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए प्रयास जारी हैं। CMHO द्वारा जल्द पूर्ति का आश्वासन मिला है। इसके अलावा जल्द ही बहोरीबंद क्षेत्रवासियों को विधायक प्रणय पांडे के सहयोग और अथक प्रयासों से सर्व सुविधा युक्त स्वच्छ स्वास्थ्य केंद्र की सौगात मिलेगी। इस अस्पताल में चारों ओर अव्यवस्थाएं और गंदगी का अलग, उसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, अभी तो अस्पताल परिसर में ऐसी कोई समस्याएं सामने से विदित नहीं हो रही हैं। जो थोड़ा बहुत गंदगी ऐसी कोई चीज़ें देखी जा रही हैं, अव्यवस्थाओं का कारण है कि अभी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं लगातार, तो उस वजह से थोड़ा सा अव्यवस्थाएँ तो बनी हुई हैं और विगत 6 महीने से बनी हुई हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ही प्रभावित है थोड़ा सा काम। बाकी अस्पताल परिसर में कोई सफाई कर्मचारियों की कमी का एहसास तो नहीं होता आपको? सफाई कर्मचारी ब्लॉक लेवल पर जैसे होने चाहिए हैं, जो शिफ्ट में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, बराबर से आ रहे हैं, वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या भी अस्पताल परिसर में नहीं है। लेकिन सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था होने के बाद भी बाहर निकल के अभी भी आप अगर देखें, अगर मेरे पास कुछ फोटोग्राफ और वीडियो भी है जिसमें गंदगी चारों ओर अस्पताल परिसर में नजर आ रही है, इसमें आपने कुछ प्रयास किए? हाँ, इसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है लगातार चालू है और आने जाने का रास्ता जो है लगभग एक ही है, वहीं से लगभग हमारे पूरे काम होते हैं। लगातार उस संबंध में हमारी चर्चाएँ हो रही हैं, आने वाले 1-2 महीने में कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो उसका सुधार भी हो जाएगा। वो जी अस्पताल के बिल्कुल मेन गेट पे कीचड़
देखा जा रहा है, उस पर आप लिखा? हाँ, इस संबंध में हमारी जिला जनपद पंचायत सीईओ मैडम से बात हो चुकी थी जब वो थे उस समय तत्कालीन, तो अभी उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद नए सीईओ साहब से भी इस संबंध में बात हुई है, जल्द से जल्द उसका निराकरण कर दिया जाएगा। अच्छा, और अस्पताल के अंदर भी अभी जाके देखा गया और उसके कुछ वीडियो और फोटोग्राफ मेरे पास मौजूद है, ये अस्पताल की जो संपत्ति है उसको खुले आसमान के नीचे रखा गया है, तो इस तरीके की अव्यवस्थाएँ और अस्पताल के अंदर भी चारों तरफ आप देखेंगे, स्वयं देखें आप इस बात को कि अस्त व्यस्त कंडीशन में सब सामान फैला हुआ है, एक्सरे रूम में भी। वो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क हमारे अस्पताल में चल रहा है, थोड़ा सा कमरों की वजह से कार्य प्रभावित है, कमरों की कमी होने के चलते थोड़ा सा ये परेशानियाँ आ रही हैं, उसको लगातार हम लोग स्टोर में या दूसरी जगह रखाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः उसमें सुधार हो जाएगा। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपको प्रशासन की ओर से जैसा सहयोग मिलना चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मतलब ये सब कार्य में विलम्ब हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ नई बिल्डिंग प्रस्तावित है जो लगभग बनके तैयार हो गई है, एक आध महीने में लगभग उस पर काम भी चालू हो जाएगा, जैसे ये काम हो जाता है तो हमारी सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या तर्क है? अस्पताल में हमारे सामने जो सबसे बड़ी बेसिक समस्या फेस हो रही है वो लगातार डॉक्टरों की कमी तो बनी हुई है हमारे यहाँ पर, और उसके लिए प्रयासरत भी हैं, यहाँ से लेके शासन तक जो है जानकारी पहुँचाई जा चुकी है, हमारे माध्यम से CMHO कार्यालय तक दी जा चुकी है, और वहाँ के लिए लगातार प्रयास जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर पोस्टेड हो जाएंगे तो व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा। मतलब अस्पताल में डॉक्टरों के अभाव के कारण और जो स्वास्थ्य कर्मी हों उनके अभाव के कारण यहाँ के मरीजों, इस क्षेत्र के मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा डॉक्टरों की कमी के चलते परेशानियाँ तो हो रही हैं, और उस संबंध में लगातार हमारा ध्यान जो है CMHO सर के साइड हमने लगा देकर रखा हुआ है, CMHO सर के निर्देशन में भी हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टरों की नियुक्ति शासन के द्वारा की जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट, और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।